हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया चौथा चैप्टर एक फूल की चाह। एक फूल की चाह जो कविता है वो सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। उनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और काफ़ी लंबी कविता है, तो प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। कविता तो बहुत लंबी है, तो उसी कविता का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है और पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। इसमें एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में यह चाह उठती है कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। तो जो कन्या के पिता हैं वो बेटी की मनोकामना पूरी करने की ठान लेते हैं। वो मंदिर में जाते हैं, देवी की आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो देवी के भक्त होते हैं वो उनकी नज़रों में खटकने लगते हैं। तो जो देवी के भक्त होते हैं वो उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं। तो पिता के साथ इसमें बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया, तो वो अपनी बेटी को फूल लाकर दे सके कि नहीं दे सके वो इस कविता में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि कवि ने इस कविता में क्या कहा है। उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महा महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीर कंठ मृत वसाओं का करो रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्ण में आहाकार अपार अशांत। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन किया है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो कवि ने क्या कहा, उद्वेलित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधका कर महा महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। तो कवि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी। तो जैसे आजकल क्या है, कोरोना वायरस है वो फैला हुआ है, लोग बहुत अधिक परेशान हैं, तो वही स्थिति पहले उस जमाने में थी। तो चारों ओर महामारी फैली हुई थी, बहुत से लोग थे इस महामारी की चपेट में आ गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ था, जो पीड़ित लोग थे उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ उमड़ आई थी, तो वो रो रहे थे बहुत बुरी तरह से, क्योंकि वो महामारी की चपेट में आ गए थे और वो बहुत अधिक परेशान थे। तो जो ये महामारी थी वो चारों ओर फैल गई थी। क्षीर कंठ मृत वसाओं का करो रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्ण में आहाकार अपार अशांत। तो जो माएँ थीं वो अपने मृत बच्चों को देखकर, बहुत से बच्चे ऐसे थे माओं के जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। तो जो ये बीमारी थी चारों ओर फैल रही थी बुरी तरह से, तो उसके कारण जो लोग थे बहुत परेशान थे, दुख के मारे बेचैन थे। तो अपने बच्चों को, मृत बच्चाओं को, तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर जो माताएं थीं उनके कंठ से अत्यंत कमजोर स्वर में करो रोदन निकल रहा था। उनका जो स्वर था वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इतनी अधिक रो चुकी थी वो कि उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। क्षीर कंठ दबी हुई आवाज़, उनके गले से दबी हुई आवाज़ निकल रही थी। करो रुदन माने दया पैदा करने वाला जो रोना था वो उनके गले से निकल रहा था। तो उनकी आवाज़ सुनकर क्या हो रहा था, सबको बहुत अधिक दया आ रही थी। तो सब लोग दुख के मारे बेचैन थे अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर। माताओं के कंठ से अत्यंत कमजोर स्वर में करुण रुदन निकल रहा था, वो बहुत ही दया पैदा करने वाला जो रोना होता है उस तरह से रो रही थी। भरे हुए था निज कृष्ण में आहाकार अपार अशांत। तो वातावरण जो था बहुत हृदय विदारक था, तो मतलब जो वातावरण था वो कैसा था, हृदय को बहुत अधिक तकलीफ देने वाला था। सब और अत्यधिक व्याकुल होकर क्या हो रहा था, हाहाकार मचा हुआ था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था, हाहाकार अपार अशांत। और माताएं जो थी कमजोर स्वर में रुदन कर रही थी। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कवि महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी, उसके कारण जो पीड़ित लोग थे उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ उमड़ आई थी। उद्वेलित माने भाव विभल होकर वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ उमड़ आई थी। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक रहे थे।
सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों जो माताएं थीं वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर अत्यंत कमजोर स्वर में करुण रुदन कर रही थी। उनके कंठ से उनके गले से अत्यंत कमजोर स्वर में बहुत ही दया पैदा करने वाला जो रोना था वो निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब और अत्यंत व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। कृष्ण कहते हैं जो बहुत ही धीमी आवाज़ होती है, कमज़ोर आवाज़, तो बहुत कमज़ोर स्वर में उनका जो करुण रुदन था वो निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब और अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं कमजोर स्वर में रुदन कर रही थीं। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है और प्रस्तुत काव्यांश में महामारी के फैलने का वर्णन है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, मर्मस्पर्शी है और यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, इसमें मानवीकरण अलंकार है। हृदय चिता, ये क्या है? रूपक अलंकार है। जो हृदय था वो चिता की भांति क्या हो रहा था? धधक रहा था। आगे कभी कहते हैं, बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस भारों से। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो सुखिया की चिंता के बारे में बता रहे हैं। एक पिता को अपने बच्चों की क्या चिंता होती है वो इन पंक्तियों में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, बहुत रोकता था सुखिया को। तो सुखिया के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत रोकता था, उसको बहुत मना करता था। मैं उसको बार बार कहता था कि ना जा खेलने को बाहर। तो मैं उससे कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जाओ। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। परंतु बार बार मना करने के पश्चात भी उसका खेलना नहीं रुकता था। वो खेलने निकल जाती थी, वो पल भर भी घर में नहीं रुकती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। तो वो बहुत अधिक चंचल थी, तो वो खेलना बंद नहीं करती थी, बाहर निकल जाती थी। तो सुखिया के जो पिता हैं वो कहते हैं कि जब वो बाहर जाती थी खेलने तो मेरा दिल कांप उठता था, मैं डर जाता था कहीं ऐसा ना हो ये महामारी की चपेट में आ जाए। तो मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूँ। तो यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तो मैं यही चाहता था कि बस इसको इस बार ये जो महामारी फैली हुई है उससे बचा लूँ। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं बिल्कुल वैसा ही वर्णन कर रहे हैं जैसा कि आजकल हो रहा है पूरे संसार में, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। जो माँ बाप होते हैं बच्चों से मना करते हैं कि बाहर खेलने मत जाओ। बहुत से बच्चे होते हैं बहुत चंचल होते हैं, तो उनको लगता है अरे मम्मी तो ऐसे ही कहती हैं, वो निकल जाते हैं खेलने के लिए। तो माँ बाप का जो हृदय होता है वो कितना अधिक आशंकित रहता है, वो कितना डरे हुए होते हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों को भी ये महामारी घर कर जाए, महामारी की चपेट में ना आ जाए हमारे बच्चे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माँ बाप हैं उनका कहना मानना चाहिए। महामारी जो होती है वो किसी को नहीं देखती, कभी भी किसी को लग जाती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, घर में बैठना चाहिए और कम से कम बाहर, हमें बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए। और कम से कम अगर जाते भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ये जो कविता है इसमें यही बताया गया है कि जो बच्ची है वो जब बाहर जाती है तो उसके पिता जो हैं वो कितना अधिक डर जाते हैं कहीं उसको ये महामारी अपनी चपेट में ना ले ले। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में भयभीत पिता की भावनाओं का मार्मिक चित्रण हुआ है। खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, बाकी सब वही लिखेंगे। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है और भाषा सरल है, सरस है, मर्मस्पर्शी है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर
मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे हृदय कांपना, और यहाँ पर अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। आगे कभी कहते हैं, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय बही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जर में विवल हो बोली बह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सिया राम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पिता का जो डर है वो यहाँ पर दिखाया है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय बही बाहर आया। तो सुखिया के जो पिता थे वो कहते हैं कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार ना हो जाए। मैं इसी डर से डर रहा था। वही डर आखिर क्या हो गया? सच हो गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर जो है बीमारी के कारण जल रहा है, उसको बहुत तेज बुखार आ गया है। तो सुखिया के पिता क्या कहते हैं कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार ना हो जाए। मैं इसी डर से डर रहा था। वही डर आखिर सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा था। ज्वर में बेहाल हो बोली भय, भय बुखार से पीड़ित होकर न जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी। तो सुखिया जो थी बहुत अधिक बीमार थी। अब उसको अंदर ही अंदर शायद ये लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। तो वो किसी अनजाने डर से बहुत अधिक भयभीत थी। तो अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि पिताजी मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। मैं चाहती हूँ कि आप जाए मंदिर और क्या करें, देवी के प्रसाद में जो फूल मिलता है वो मुझको लाकर दे दें। तो उसकी यही चाह थी कि मैं क्या करूं, देवी के प्रसाद का जो फूल है वो मैं पालूं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया कि सुखिया का पिता जो है वो कहता है कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार ना हो जाए। मैं इसी डर से डर रहा था। वही डर आखिर सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर जो है बीमारी के कारण जल रहा था। उसको बहुत तेज बुखार था। वो बुखार से पीड़ित होकर और ना जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी मुझे देवी के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो जो शिल्प सौंदर्य है उसमें हम लिखेंगे, इसमें सुखिया के महामारी की चपेट में आने पर उसको मृत्यु का बोध होता है। उसको लगता है कि उसकी मौत हो जाएगी। इसका यहाँ पर बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सरस है, मर्मस्पर्शी है। कवि ने घटना का अत्यंत सरल शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं, क्रमशः कंठ छियुल हो आया, शिथिल हुए अभी अपसारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या घेरी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बीमार बेटी की चिंता में घुल रहे पिता की दयनीय मनोदशा का वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, क्रमशः कंठ छियुल हो आया, शिथिल हुए अभी अपसारे। सुखिया के जो पिता हैं वो सुखिया की बीमारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। तो सुखिया का जो कंठ था, जो गला था, वो क्या हुआ, छियुल हो गया, कमजोर हो गया, मतलब उसका गला था वो सूखने लगा। शिथिल हुए अभी अपसारे, तो जो सुखिया थी उसके अभी अब सारे अंग जो थे वो क्या हुए, शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए। तो उसकी आवाज़ थी वो कमज़ोर हो गई। तो उसका जो गला था वो सूखने लगा, आवाज़ कमज़ोर पड़ गई और शरीर के सभी अंग उसके ढीले पड़ने लगे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। तो मैं चिंता में डूबा हुआ था, निराश मन से उसे ठीक करने के
नए नए उपाय सोचने लगा। जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, स्वर घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी। प्रभात सजग मतलब हलचल से भरा हुआ जो सवेरा था। तो जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैं इतना अधिक चिंता में डूब चुका था कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातः काल की जो हलचल थी वो समाप्त हो गई। तो जान सका ना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, तो कब दोपहर हो गई कब सुबह खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतना अधिक चिंता में डूबा हुआ था कि कब प्रातः काल की हलचल समाप्त हुई और कब आलस्य भरी दोपहरी तो आ गई। अलस अलस मतलब आलस्य भरी जो दोपहरी है वो कब आ गई इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। स्वर घनों में कब रवि डूबा कब आई संध्या गहरी, कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी संध्या हो गई कब गहरी शाम हो गई मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। मैं अपनी बेटी की जो चिंता थी उसमें घुला जा रहा था, उसको सोच रहा था इस बात के लिए कि कब क्या होगा, पता नहीं वो कैसे ठीक होगी नहीं होगी, वो मैं नए नए उपाय सोच रहा था उसको ठीक करने के। तो मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई कब शाम हुई कब दोपहर हुई कब आलस्य भरी दोपहर आ गई कब प्रातः काल का जो हलचल भरा माहौल था खत्म हो गया कब जो सूरज था सुनहरे बादलों में डूब गया कब गहरी संध्या हो। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहते हैं कि सुखिया का जो पिता था वो सुखिया की बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि धीरे धीरे महामारी का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। सुखिया का गला था वो सूखने लगा, उसकी आवाज थी वो कमजोर हो गई, शरीर के सभी अंग ढीले हो गए। तो मैं चिंता में डूबा हुआ था, निराश मन से मैं उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा कि किस तरह से वो ठीक हो सकती है। तो इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातः काल की हलचल समाप्त हो गई और आलस्य भरी दोपहरी आ गई, कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी संध्या हुई इस बात का मुझे पता ही नहीं चला। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि बीमार बेटी की चिंता में घुल रहे पिता की दयनीय मनोदशा का यहाँ पर बहुत ही सजीव चित्रण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है, नव नव में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और क्रमशः कंठ में अनुप्रास अलंकार है, स्वर घनों में रूपक अलंकार है। स्वर घनों में मतलब सुनहरे बादल, घन माने बादल, स्वर माने सुनहरे, तो सुनहरे बादलों में सूरज कब डूब गया ये उसको पता ही नहीं चल सका। आगे कभी कहते हैं, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सुखिया की असाध्य बीमारी का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। तो उन्होंने क्या कहा कि सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। तो जो सुखिया के पिता थे वो बहुत अधिक परेशान थे। तो सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण उनके अंदर जो निराशा घर कर गई थी, निराशा आ गई थी, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। तो जो निराशा होती है, परेशानियाँ होती हैं, वो अंधकार का प्रतीक होती है, खुशियाँ जो होती हैं वो प्रकाश का प्रतीक होती हैं। तो जो सुखिया के पिता थे बहुत अधिक परेशान थे क्योंकि सुखिया जो थी बहुत अधिक बीमार हो गई थी, महामारी का शिकार हो गई थी। तो सुखिया के जो पिता थे वो बीमारी के कारण इतने अधिक निराश थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि चारों ओर अंधकार छा गया हो। तो सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई निराशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देने लगी। छोटी सी बच्ची को ग्रस ने कितना बड़ा तिमिर आया, मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी छोटी सी बेटी है उसको निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। तो
तो इतना विशालकाय जो अंधेरा है वो चला आ रहा है मेरी छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी जगमग जगते तारों से। क्या आंखें, तो झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो जिस प्रकार खुले आकाश में क्या होता है, विस्तृत महाकाश मतलब इतना फैला हुआ जो आकाश होता है, खुला आकाश होता है, वहां पर जलते हुए अंगारों के समान जो तारे होते हैं वो जगमगाते रहते हैं। उसी तरह सुखिया की आंखें बुखार के कारण जल रही थी। उसको बहुत तेज बुखार था, तो बुखार की वजह से उसकी आंखें उसी तरह जल रही थी जैसे खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते हैं। वो बहुत अधिक बीमार थी। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सुखिया के पिता थे वो बहुत अधिक परेशान थे। उनके अंदर निराशा घर कर गई थी कि उनकी बेटी का क्या होगा। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उतनी छोटी सी जो बेटी है उसको निगलने के लिए इतना बड़ा जो अंधेरा है वो चला आ रहा हो। तो जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की जो आंखें थी वो जल रही थी बुखार की वजह से। तो उसी भांति सुखिया की आंखें बुखार के कारण जल रही थी, वो बहुत अधिक बीमार थी। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि सुखिया की असाध्य बीमारी का यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है। और खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है। और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है। और तिमिर का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, जो अंधकार है उसका मानवीकरण किया गया है। और जलते से अंगारों और जगमगाते तारों से में उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर भी से आता है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सी और जलते से जगमगाते तारों से, इसमें सब में क्या है, उपमा अलंकार है। आगे कभी कहते हैं, देख रहा था जो सो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पिता के दुख का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। तो इसमें क्या कहते हैं कवि, देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर। तो जो सुखिया के पिता हैं वो देख रहे थे कि उनकी जो बेटी है उसकी क्या दुर्दशा हो गई है। तो अपनी बेटी की दुर्दशा का चित्रण करते हुए वो कहते हैं कि मैं देख रहा था कि जो मेरी बेटी थी जो पल भर के लिए भी स्थिर होकर नहीं बैठती थी, वो अब क्या है, बिल्कुल चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी हुई चुपचाप बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहते हैं, सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण जो उसकी दुर्दशा हुई थी उसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी हुई चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था। कहाँ तो वो इतना बोलती थी, कहाँ तो वो इतना अधिक चंचल थी, लेकिन बीमारी की वजह से वो बिल्कुल शांत लेटी हुई थी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैं उसको बार बार उकसा रहा था बोलने के लिए। तो मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे। कौन से शब्द, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि सुखिया के पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुई दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी जो पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था, उकसा रहा था, तो वो मैं चाह रहा था कि वो बोले। तो मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। अब वो इतनी अधिक बीमार हो गई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी।
तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, इसमें पिता के दुख का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, भाषा सरस है, सरल है, मर्म स्पर्शी है, हमारे हृदय को छूती है। अटल शांति सी में उपमा अलंकार है, तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, मतलब जो स्थिर शांति की मूर्ति सी बनी हुई वो लेटी हुई थी, तो जो उसकी बेटी थी बिल्कुल शांत भाव से लेटी हुई थी, जैसे कि मूर्ति होती है वो कुछ नहीं बोलती, तो यहाँ पर अटल शांति सी में क्या है, उपमा अलंकार है। तो इससे आगे के जो है वो हम करेंगे अगली वीडियो में, तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।